तो हम बात कर रहे हैं पायथन के ऊपर। हम पायथन में बात करेंगे पायथन की कंडीशंस के ऊपर, पायथन के इफ कंडीशंस के ऊपर, जिसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। चाहे पायथन हो या जावा स्क्रिप्ट हो या जावा हो या ऑरिकल हो या फिर हो आपका VVM माइक्रो प्रोग्रामिंग, कंडीशंस मतलब कि इफ जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि तो बिना इफ के आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं कि कुछ हो, क्योंकि तो कंडीशन तो लाइट में ही है, तो लाइट बिना कंडीशन के नहीं चल सकती है, तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। सो लेफ जो आपका जो इफ है, जिसको हम लोग इफ स्टेटमेंट कहते हैं, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इफ के तीन पार्ट है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। जी हाँ, तो हम फिलहाल बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। तो हमने आपको इफ के तीन पार्ट बताए, पहला पार्ट था इफ स्टेटमेंट, दूसरा पार्ट है इफ और एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा है इफ और एल्स स्टेटमेंट। तीन पार्ट याद रखिएगा, तीनों का एक रोल है, एक कंडीशन इसके हिसाब से यूज की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ कंडीशंस की। जैसे कि एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए सैम्पल के लिए, कि n इक्वल टू n हुआ, इफ n डबल इक्वल टू, तो दिस इज द वन, ऐसे हमने प्रिंट करवाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनपुट, तो हमने लिख दिया a इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में लिख दिया कि एंटर सिटी कोड। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला कि इफ, और यहाँ पे ए इक्वल नहीं होता है, डबल इक्वल होता है, कि ए इक्वल टू वन, और फिर यहाँ पे सेमी कॉलन दे के एंटर प्रेस कर रहे हैं। और याद है कि यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है अपना जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हो। कि प्रिंट, प्रिंट में हमने बोला न्यू दिल्ली, और फिर हम यहाँ पे एंड इफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से रन कीजिए। रन करते ही आपको यहाँ पे एंटर सिटी कोड आया, मैंने यहाँ पे सिटी कोड मान लीजिए वन एंटर करके एंटर प्रेस किया, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि ए के अंदर जो वन हमने ऐड किया वो था टेक्स्ट, क्या था? टेक्स्ट था। तो यहाँ आपको ए इक्वल टू इंट ए करना होगा, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप एक जैसा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, एंटर करने पे सिटी कोड मांग रहा है, तो सिटी कोड मान लीजिए हमने वन दे दी, यहाँ 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 नीचे देना है ना, हमें वन इनपुट यहाँ ना है वन, एंटर मारा, देखिए न्यू दिल्ली आ गया। तो ये जो इंट वाली पार्ट बताई, ध्यान रखिएगा कि जो, क्योंकि आपका इनपुट बॉक्स जो है हमेशा टेक्स्ट एंट्री करता है, चाहे वो आप vv.net में चले जाएं या vva पे भी चले जाएं, जो इनपुट बॉक्स है हमेशा टेक्स्ट एंट्री करता है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारे नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर चेक किया तो देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली आ गया। अब मान लीजिए दो हुआ तो यहाँ पे मैं एक और इफ लगा देता हूँ, हालांकि एल्स इफ लगाने की जरूरत है, लेकिन मैं यहाँ इफ ही लेके चल रहा हूँ कि इफ ए ए हमने बोला टू, तो यहाँ होना चाहिए प्रिंट एफ में कि प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए मुंबई। अब मैं रन करूंगा, यहाँ देखेंगे रन करूंगा, तो रन करते ही एंटर सिटी कोड दिया, सिटी कोड में मैंने टू इंटर किया, अब यहाँ देखिए मुंबई आया, हमने टू इंटर किया मुंबई आया। तीसरा मान लीजिए अगर तीन हो तो कोलकाता है, हालांकि इसको एल्स इफ में बेटर होगा, लेकिन मैं इफ से ही कर रहा हूँ। ए थ्री सेमी कॉलन, हमने यहाँ पे बोला प्रिंट, प्रिंट में हमने यहाँ पे लिख दिया Recording in progress. तो यहां हम दे देते हैं कोलकाता, कोलकाता। तो अब मैं इसको एंटर कर, अब यहां पे एक काम करता हूं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, स्लैश टी कर देता हूं, ताकि एक टैब का स्पेस आ जाए। रन किया, रन करते हैं, यहां पे देखिए टैब का स्पेस आ गया, एंटर कोड, एंटर कोड में हमने यहां पे थ्री
सॉरी वहाँ थ्री नहीं, नीचे डालना है हमें, नीचे हम थ्री डालते हैं। थ्री डाल के जैसे एंटर करेंगे आप देखें इस पर एरर दे दिया। ओके इफ ए ए सेमी कॉलन, प्रिंट कोलकाता में प्रॉब्लम है, तो बस हमें एक टैब प्रेस करना है और यहाँ पे देना है प्रिंट प्रिंट, और इसके अंदर डालना है कोलकाता। अब नीचे देखिए लाइनिंग आ जाता है, जब कोई एरर आएगा तो नीचे लाइन आ जाएगा, यहाँ पे लाइन नहीं है इसका मतलब एरर नहीं है। रन करते हैं, कोड डालते हैं, यहाँ पे हम कोड डालते हैं, थ्री एंटर प्रेस करते हैं, देखिए आ गया कोलकाता। तो इस तरह का आप स्टेटमेंट डाल सकते हैं। अब चलिए ये तो हो गई स्टेटमेंट किसकी, टेक्स्ट की स्टेटमेंट हो गई नंबर की। अब चलिए अब इस कोड को मैं नोट पैड पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम एक जगह पे इसको कॉपी करके रख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स ले रहा हूँ और इनपुट बॉक्स में मैं यहाँ पे सिटी कोड हमारा जो है वो जो है इसमें है, टेक्स्ट में है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लगाते हैं इफ ए डबल इक्वल, यहाँ पे हमने किया डी एल, अगर डी एल है सेमी कोलन किया, नीचे एंटर मारा, नीचे एंटर मारते अपना कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, टैब लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने दिया प्रिंट और प्रिंट पे बोला न्यू दिल्ली। अब यहाँ हम इसको रन करते हैं, रन करने के बाद यहाँ से सेंटर को यहाँ पे कोड बोला है, हमने यहाँ पे डीएल लिख दिया और एंटर प्रेस किया तो न्यू दिल्ली आ गया। अब मैं एक बार इसको और रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या छोटा मतलब कि कैपिटल में ना लिखूँ तब दे रहा है। जी हाँ कैपिटल में लेने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ आपका जो पैथन का जो ये है कोड है वो हमेशा पैथन का जो इफ फॉर्मूला है, कोड का जो इफ फॉर्मूला है हमेशा क्या करता है, अब केस सेंसिटिव होता है। मैं अब मतलब छोटे और बड़े फर्क अपर और लोअर केस का जो है फर्क रखता है, इसलिए आप कोई चीज का ध्यान रखना या फिर मुझे इसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के बारे में जानते हैं, अब नीचे आते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक और इफ लगाता हूँ कि इफ ए अगर ए एम एच हुआ, एम एच तो मुंबई आना चाहिए, सिंपल कोड। यहाँ पे एंटर प्रेस किया, प्रिंट का कमांड देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे हमने बोला मुंबई। अब इस आगे चल के जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में इसका हम फायदा लेंगे। अब यहाँ पे रन करते हैं, रन करने के बाद कोड बना है, यहाँ पे हम एम एच करते हैं, एम एच किया एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पे मुंबई आ गया। अब बारी आती है कि अगर के बड़े छोटे का फर्क हटाना हो तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे ए इक्वल टू हम करेंगे अपर, देखिए अपर नाम का कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, क्या अपर के लिए हमें कोई फंक्शन का टेक डाउन करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे इस तरह से नहीं, मुझे यहाँ लेना होगा स्ट्रिंग डॉट अपर केस, और इसके अंदर ए हम जो है अपना ए जो है स्मॉल में करता हूँ, ए को डाल दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, मैं यहाँ पे लोअर केस सॉरी यहाँ पे लोअर केस पर रख रहा हूँ डी ए, और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ एरर आया। एक मिनट, ये
स्ट्रिंग अपर नहीं होता, इसमें हमें डालना है टेक्स्ट डॉट अपर। जी हाँ सिंपल, हमें डालना है ए डॉट अपर। अब इसको रन करते हैं और यहां पे मैं डीएल डालता हूँ स्मॉल, यहाँ नीचे नीचे डीएल डालता हूँ जो कि स्मॉल लेटर में मैंने डाला, और इसको रन करते हैं। यहाँ देखिए न्यू दिल्ली आ गया।